हाय एवरीवन, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इग्नू की एग्ज़ाम फॉर्म वाली वेबसाइट चल नहीं रही है। चलिए देखते हैं क्या रियलिटी है। ऊपर टाइम देखते रहिए, 9:32 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इग्नू की ऑफिशियल साइट पर चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नू की साइट खुल गई है। मैं यहाँ मेन्यू के सेक्शन में आता हूँ और रजिस्टर ऑनलाइन के सेक्शन में जाके टर्म एंड एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइट खुल गई। ऊपर टाइम देखते रहिए, लेफ्ट साइड में इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं अंडरटेकिंग पे क्लिक करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। टाइम देखते रहिए ऊपर, और फिर यहाँ पे मैं इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा कोड की वजह से साइन इन करता हूँ। अब टाइम शायद थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, बिकॉज मैं वीडियो पाउज करके डिटेल्स डाल के फॉरवर्ड करूँगा। अब देखिए, अब मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, ठीक है, और मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अभी साइट नहीं चल रही इस वक्त, इस वाले ऑप्शन में आके साइट नहीं चल रही, बट देखते हैं 9:34 है ऊपर, कितना टाइम हमको वेट करना पड़ता है। देखिए साइट खुल गई है आपके सामने, ठीक है, साइट खुल गई है, साइट लोड हो गई है। तो मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र आई नहीं है। अब चूंकि मैं पेमेंट करके नहीं देख सकता, हो सकता है बच्चों को पेमेंट वाले स्टेप में दिक्कत आ रही हो या किस स्टेप में दिक्कत आ रही है मुझे नहीं पता, बट आई नेवर कॉन्ट्रडिक्ट योर थाट्स, आई नेवर कॉन्ट्रडिक्ट योर कमेंट्स। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, हो सकता है कुछ उनका ब्राउज़र का इशू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्राउज़र के सारे कुकीज़ डिलीट कर दो या कुछ भी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दो। बट यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बात कहूँगा, हो सकता है आपका इंटरनेट सर्वर का इशू हो। इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम होना छोटी मोटी बात है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल ब्लॉक होता है या हैंग होता है, तो उस टाइम तक, जैसे मान लीजिए 13 अक्टूबर को शाम 5 बजे पोर्टल नहीं चला, तो 4:59 तक जितने भी एग्ज़ाम सेंटर में सीट्स थी वो फुलफ़िल हो गई थी, उसके बाद से सीट बुक नहीं हुई। तो आप 5:01 में करोगे, आपके साथ साथ और भी बच्चे करेंगे, किसी की भी सीट बुक नहीं हो रही, तो सिचुएशन वही रहेगी। आप ये सोचो कि यार सीट बुक हो जाएंगी अगर मैं पोर्टल नहीं चला, तो भाई अगर पोर्टल नहीं चला तो और भी बच्चों के लिए नहीं चलेगा, तो उनके लिए भी सीट्स का जो फुलफ़िलमेंट है उसका परेशानी होगी। तो इस चीज़ को समझिए। हालांकि पोर्टल साफ साफ चल रहा है, मैंने अभी आपके सामने ही लॉगिन करके दिखाया है। अब ये तो बात हो गई कि भाई साइट का प्रॉब्लम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप चेक करते रहिए दोस्त, ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाओगे। ना हो क्या 15 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है विद लेट फी, और 15 अक्टूबर है विदाउट लेट फी। तो उम्मीद पूरी पूरी है अगले 15 दिनों के लिए और इसको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा विदाउट लेट फी। ये 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाएगा विदाउट लेट फी, ठीक। ये पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंस जिस दिन से एग्ज़ाम शुरू होते हैं उससे कम से कम एक महीने पहले तक तो विदाउट लेट फी एग्ज़ाम फॉर्म चलते रहते हैं, और एग्ज़ाम शुरू होने के 10-15 दिन पहले तक भी विद लेट फी फॉर्म चलते रहते हैं। तो इसमें कोई भी आप लोगों को परेशान या घबराने वाली बात नहीं है। लेट फी, विदाउट लेट फी के साथ डेट एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट आपको सिर्फ लेट फी पर ध्यान नहीं देना है, आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि सीट्स जिस सेंटर में आप लेना चाहते हो वहाँ पर फुलफ़िल ना हो जाए। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देके अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है, सो देट आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।